क्या तुमने कभी सोचा है कि लाइफ जो है एकदम आसान होती, कुछ करना नहीं पड़ता, बिंदास पड़े रहो और अपना लाइफ को एंजॉय करो, कुछ और स्ट्रगल टाइप, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। देखो यार, ये सब चीजें ना बस कहना आसान है, क्योंकि हम सभी को पता है रियल लाइफ में क्या चल रहा है। जिंदगी झंड हो रखी है और ये ना हर किसी के साथ हो रखी है। प्लस अगर तुम ये सोचते हो कि एनिमे का वर्ल्ड ऐसा होता वैसा होता, कितना आसान जिंदगी है, तो बिल्कुल भी नहीं यार। खासकर तो अगर तुम वन पीस के वर्ल्ड में रहते हो, बिकॉज अगर तुम इस वर्ल्ड में रहते हो और तुम एक नॉर्मल सिटीजन या फिर नॉर्मल बंदे भी हो ना, या फिर तुम हाई अथॉरिटी से ही बिलोंग क्यों ना करते हो, तुम्हारी जिंदगी झंड की झंड ही रहेगी। एग्जांपल देता हूँ, मान लो अगर तुम एक नॉर्मल बंदे हो, तुम एक आइलैंड पे रहते हो, बिकॉज वन पीस का वर्ल्ड पूरे आइलैंड से ही भरा हुआ है, और उस आइलैंड पे कोई ना कोई पक्का, जितना भी तुम शांत स्वभाव के बनते हो, जितना तुम अच्छे से रहते हो, जितना भी तुम अच्छा काम कर लो, कोई ना कोई साला पायरेट घूम फिर करके आ करके तुम्हारे आइलैंड को अपने कब्जे में ले ही लेगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मरीन्स क्या कर रही है, इनको कुछ कर नहीं सकते क्या? हाँ भाई, मरीन्स कर रही है ना, इन्हें पकड़ती है, पर इनकी खुद की फटती है योंकोस से, ये डायरेक्ट जाके किसी योंको से पंगा नहीं लेते। और एक तरह से यार, पायरेट्स जो है वन पीस के वर्ल्ड में, पायरेट्स का मतलब सिर्फ समुद्री लुटेरा नहीं है। पर हम क्या इस वीडियो में पायरेट्स की बात कर रहे हैं या फिर वन पीस के वर्ल्ड की बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं गोरोसे। अब ये गोरोसे कहाँ से आते हैं? देखो भैया, गोरोसे है यहाँ के सबसे ज्यादा हाई अथॉरिटी, जहाँ तक सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भी पता है, फ्लेट एडमिरल को पता है, पर इनसे भी ऊपर एक आता है इमुसामा। अब इसके बारे में हम जो है किसी और वीडियो पे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है सिर्फ गोरोसे को लेकर के है। अब देखो, ये गोरोसे जो है मिल करके इस वर्ल्ड को बैलेंस बनाने का काम करती है। तुम लोग कुछ भी करो, अपने एरिया में रहके, अपने आइलैंड में रहके जो करना है करो, लेकिन अगर किसी ने वाइल्ड सेंचुरी से छेड़छाड़ किया, किसी ने इनके इतिहास से खेलने की कोशिश की, किसी ने इनके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की, तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और इन लोगों को ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम के लिए भी नहीं सोचते भाई, इन्होंने पूरा पूरा ओहारा का पूरा यार खानदान ही मिटा दिया। प्लस निको रॉबिन, छोटी सी बच्ची के ऊपर इतना बड़ा बाउंटी दे दिया। अब शायद समझ में आ रहा होगा कि वन पीस का वर्ल्ड इतना ज्यादा क्रूएल है ना, इतना ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि साला मरीन भी अच्छे से नहीं रह सकते, बिकॉज मरीन्स की भी औकात कुछ नहीं है, मरीन को भी इज्जत नहीं दिया जाता है, वो भी अपने हिसाब से जी नहीं सकते। पर क्या गोरोसे का ये करना सही है? देखो, जब भी हमें गोरोसे को दिखाया जाता है, उन्हें देख के हमें मालूम पड़ता है कि ये जो बुड्ढे हैं, आने वाले टाइम पे फ्यूचर में ये सीरीज के विलन्स हो सकते हैं, और मेन विलन्स भी हो ईमू के बाद। ये सिर्फ ईमू के आगे अपना सर झुकाते हैं और वो जो कुछ भी कहता है या कहती है बातों की ये मान लेते हैं। प्लस हाल ही में जब हमें इन्हें दिखाया गया था, तो ये बात कर रहे थे लूफी के डेविल फ्रूट को लेकर के, वहां पर हमें मालूम पड़ता है ये लोग गोमू गोमू नोमी के पीछे बहुत टाइम से पड़े हुए थे। अब मैं जो है हितो हितो नोमी मॉडल निका नहीं बोलूंगा, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, मैं गोमू गोमू नोमी बोलूंगा। हाँ, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है गोमू गोमू नोमी के पीछे बहुत टाइम से पड़ी हुई, पर वो लोग जो है इस चीज को जब भी मतलब करीब पहुंचते थे, जब भी इसको पकड़ लेते थे, कहीं ना कहीं से ये निकली जाती थी। प्लस इनके द्वारा जो हमें ये भी बताया जाता है कि हर जोआन डेविल फ्रूट के अंदर खुद का सोचने का क्षमता होता है। तो यहाँ पर क्या मालूम पड़ता है भाई, लूफी के डेविल फ्रूट से रिलेटेड नहीं, मैं बात करूं गोरोसे से रिलेटेड, कि इन्हें बहुत ज्यादा जानकारियां हैं, इन्हें ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जानकारी है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। अब हाँ, ये गोरोसे जो है इतने सालों से जिंदा है, ये बात कहीं पर फिक्स नहीं है, बिकॉज ये लोग जो है चेंज होते रहते हैं, और ये चीज हमें जो है मांगा चैप्टर में इनडायरेक्टली बता दिया गया कि ये लोग जो है 800 साल पुराने टाइम से जिंदा नहीं है, भले ये लोग बुड्ढे हैं, ये लोग चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इन्हें वाइल्ड सेंचुरी के बारे में पता है? मेरे हिसाब से हाँ, इन्हें पता है, वरना ये लोग ना उस चीज को जानने का जरूर ट्राई करते, कभी ना कभी तो ट्राई करते। और ये लोग यार वर्ल्ड गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा हाई अथॉरिटी रखते, सबसे ज्यादा पावर इन्हीं के पास है। हाँ, इमुसामा के पास भी है, पर किसी को नहीं मालूम कि इमुसामा नाम का कोई बंदा या बंदी भी रहती है, कोई जिंदा भी है, किसी को मालूम नहीं है कि उस एम्प्टी थ्रोन पे कोई बैठता है बजाय गोरोसे के। तो इनके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि इनको पक्का वाइल्ड सेंचुरी के बारे में मालूम होगा, और बहुत अच्छे से मालूम होगा। प्लस इन लोगों ने इमू के लिए बहुत बार ऐसे ऐसे काम किए हैं जिस वजह से वर्ल्ड बैलेंस बना हुआ रहता है। और नो डाउट यार, ओहारा को मिटाना हो और चाहे गॉड वैली का इतिहास मिटाना हो, इन्हीं सब बुड्ढों ने ही किया होगा, बिकॉज गॉड वैली आज से 38 साल पुराना इतिहास है, और ये बुड्ढे शायद उस वक्त जवान होंगे। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये जो बुड्ढे हैं, ये बहुत टाइम से इस वर्ल्ड पे हैं, पर
इतने भी पुराने टाइम से नहीं है। अब हम आते इनके पावर को लेके कि क्या ये बुड्ढे सच में ताकतवर है या फिर बस ऐसे ही दिखाते हैं, ये लोग वीक भी हैं या सच में इतना ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे को लगता है ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज इनके बॉडी को अगर हम लोग देखने जाए ना तो बॉडी पे स्कार्स हैं, यहाँ वहाँ चेहरे पे घाव दिखते हैं, मतलब इन लोगों ने फाइट लड़ी है। प्लस इनमें से एक बुड्ढा, जिसे हर कोई यार गांधी बुड्ढा कहता है, गांधी वाला बुड्ढा कहता है, भाई ये बुड्ढा एक स्वॉर्ड रखता है जो कि केतेत्सु स्वॉर्ड है। अब तुम सबको मालूम है केतेत्सु स्वॉर्ड को जो भी पकड़ता है वो बंदा कोई आम बंदा नहीं रहता है, बिकॉज ये जो है कर्स स्वॉर्ड रहती है, इन्हें कोई कमजोर स्वॉर्ड्समैन पकड़ नहीं सकता, अगर वो पकड़ेगा ना वो खुद ही मर जाएगा। तो यहाँ पर हमें साफ साफ बता दिया जाता है ओडा की तरफ से कि ये बुड्ढे वीक नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब हम आते हैं जरा गोरोसे का नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है। देखो, क्या तुमको याद होगा इन्होंने जब इमुसामा से भेंट किया था, इमुसामा से ये लोग कहते हैं इस बार हिस्ट्री से किसको मिटाना है, और इमुसामा किसी ना किसी को पक्का बोली होगी, अब पता नहीं किसको बोली है। उस बारे में हम लोग जब इमुसामा के ऊपर बात करेंगे, इमुसामा के ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब हम लोग उस पर बात करेंगे। फिलहाल के टाइम पे हम लोग गोरोसे पे ही रहते हैं। अब देखो, इमुसामा जो कुछ भी कहती है या कहता है, गोरोसे उस चीज को मानते हैं और उसके बाद ये लोग उस हिसाब से काम करते हैं। प्लस क्या तुमको एक बात मालूम है, ऑब्वियसली यार ये बात तो मालूम होगा कि गोरोसे का जो ध्यान है अभी पूरी तरह से वानों की तरफ है। ये लोग ना ही बात कर रहे हैं रेबरी में, जो वॉलॉर्ड सिस्टम खत्म हो गया तो उधर क्या करना चाहिए, वॉलॉर्ड को मरीन पकड़े, भाई मरीन का काम है, ऐसे उनका सीन है कि मरीन उनको पकड़े। इन लोग का ध्यान जो है पूरी तरह से गोमू गोमू नोमी के अवेकनिंग को लेकर के। और तुम सबको पता है यार, वानो कुनी में लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हो चुका है और वो जिस तरह से काइडो को धो रहा है, मतलब भाई स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन दी वर्ल्ड को एक तरफा धो रहा है, उसका पावर का हमें अंदाजा दिखता है भाई ये कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब हाँ, कार्डो अगर अपना अवेकनिंग दिखाए और फिर दोनों के बीच में घमासान फाइट हो तो मैं वो चीज जरूर देखना चाहूंगा गोरोसे यहाँ पे क्या कर सकती है। देखो, वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप वहां पर जा रही है, हमें पहले बताया जा चुका है। मतलब यहाँ क्या दिखता है मालूम, काइडो के हार जाने से क्या वानो आर्क खत्म हो जाएगा? मेरे को नहीं लगता वानो आर्क अभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हमें जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ अभी शायद एक छोटा मोटा वॉर जरूर देखने को मिलेगा। छोटा मोटा मतलब लंबा ही जाएगा, जहां पर लूफी काइडो को शायद हराने के बाद वो वानों को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आए और वर्ल्ड गवर्नमेंट के जो शिप्स आ रहे हैं कब्जा करने उनको जो है भगाता हुआ नजर आए, भगा दे वहां से, बिकॉज यहां पर जो लूफी बोले कि ये मेरी टेरिटरी है और यहां पर हमें गोरोसे जो पहली बार शायद फेल होते हुए नजर आए। वरना भाई गोरोसे जिस तरह के ये बुड्ढे हैं ना, ये लोग सीधे बस्टर कॉल मारेंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और इस चीज को लूफी को रोकना ही पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या सच में लूफी कैपेबल है? देखो यार, अवेकनिंग दिखने के बाद ना नो डाउट लूफी कैपेबल है। तो हाँ यार, वर्ल्ड गवर्नमेंट को टेंशन तो लेना चाहिए और ये लोग जो है इस आर्क के बाद लूफी को पूरी तरह से जो है टेंशन में लेना शुरू कर देंगे। ये पांच बुड्ढे ना यार, ये वन पीस के वर्ल्ड के इतने बड़े कांटे हैं ना, ये लोग जब तक नहीं हटेंगे ना ये वर्ल्ड कभी भी उस हिसाब का बन नहीं सकता, जहां पर चारों तरफ शांति हो, जहां पर सब एक बराबर हो, जहां पर सब अपने ड्रीम के लिए जीते। खैर, जो कुछ भी हो, आज मैं इन्हीं चीजों के बारे में बात करना चाहता था। अब तुम लोग का क्या मानना है जरा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुमको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तू घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसे ही वन पीस के वीडियोस बनाता रहूंगा। तो यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।